Hello guys and welcome to Manuver Education. So we are back with another video of NMIMS campus, and today we're going to be looking about the Hyderabad campus. So we have already covered the Mumbai, the Bangalore campus, and now today we're going to cover about the Hyderabad campus. काफ़ी सारे students हैं जो कि हैदराबाद campus में जाकर अपने MBA pursue करना चाहते हैं. One of the most prestigious campus आपको मिलेगा, काफ़ी luxurious campus भी है. इसमें काफ़ी सारी facilities आपको अच्छी सी मिलती हैं, infrastructure काफ़ी अच्छा है, faculties काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, और जो एलुमनाई नेटवर्क आपको मिलने देखने को मिल रहा है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलने वाला है यहाँ पर. तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी डिसेंट लेवल पर ये कॉलेज स्टैंड करता है. एंड साउथ रीजन की बात करें तो साउथ में दो कैंपस हैं इनके, वन इज़ इन बैंगलोर विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, एंड वन इज़ हैदराबाद. तो अगर आप बैंगलोर के लिए टारगेट कर रहे हो सो यू कैन वॉच दी NMIMS बैंगलोर वीडियो, और अगर आप हैदराबाद के लिए टारगेट कर रहे हो सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, फी स्ट्रक्चर क्या होती है इस कॉलेज की, एंड प्लेसमेंट स्टैट्स आपको यहाँ से कैसे मिलने वाले हैं. सो स्टे ट्यून विद मी इन दिस वीडियो. बट बिफोर वी मूव ऑन, वी हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल द स्पेसिफिक वीडियोज रिलेटेड टू MBA बेट नोटिफिकेशन अपडेट्स लाइव पेपर एनालिसिस और वर्कशॉप्स विल बी फर्स्टली अवेलेबल ऑन मैन्यूअर MBA एंट्रेंस. तो अगर आप ये वीडियो मैन्यूअर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो. अगर आप ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो तो लिंक फॉर मैन्यूअर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो यू कैन ऑल्सो फॉलो ऑन सोशल मीडिया सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रिपेरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर्स, यू कैन जॉइन अ लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन. टू जॉइन द लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन यू कैन सिंपली कॉल अ नंबर 8285814455. और इफ यू आर इन मुंबई लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग यू कैन विजिट आर सेंटर्स वसई, दादर, बोरिवली एंड थाने. एंड वी आर सून कमिंग अप विद अ न्यू सेंटर इन पुणे एज वेल. सो यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द कैट एग्जामिनेशन, CMAT, MBA CET, SNAP एंड MAT फॉर NMIMS, MAT एंड वेरियस अदर MBA examinations. Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock test, books and e-books, shortcut tips and tricks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Now, the Narasimha Munji Institute of Management Studies, JET Kerala, has been imbibing these human values across its various stakeholders through creation and spreading of knowledge in the field of management. It was established in the year 2010, so ye aapko janna zaruri hai that this institute is currently in their 13th year, which means is saal ka jo hai wo 13th batch hai. So if you are targeting this campus for the next year, you will be in the 14th batch of this college, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है. It is a 90-acre, the biggest of the NMIMS family, sprawling campus with fully residential world-class facilities, a CBSE school, an Olympic standard sport complex in 26 acres, which will be unique feature of the campus. तो जितने भी campuses हैं NMIMS के, be it Mumbai, Bangalore, शीरपुर, तो सबसे बड़ा कैंपस जो है वो आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है, विच हैज़ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़. जैसे कि मैंने पहले बोला, यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ A1 मिलने वाली है क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही उतना अच्छा है. तो इनके पास एक CBSE स्कूल है, एक ओलंपिक स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कि 26 एकड़ में फैला हुआ है. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको यहाँ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हाई लेवल पर मिलने वाली है. द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद टू प्रोमोट कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और जो कि उनका टैगलाइन है कि KG टू डॉक्टरेट आपको सिंगल कैंपस में मिल जाएगा. KG मींस जो आपका फर्स्ट ईयर ऑफ एडमिशन होगा, टू डॉक्टरेट विच मींस PhD लेवल. तो आपने सिर्फ इस कॉलेज को टारगेट करके एंट्री लेनी है. एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय दी NMIMS. ऑफकोर्स आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, विच वी विल टेक केयर ऑफ, बट येस आपको फिर भी मेहनत करके NMAT का एग्ज़ाम क्लियर करना है टू गेट इन टू दी NMIMS हैदराबाद. मूविंग अहेड, एक नज़र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डाल देते हैं. बैचलर्स डिग्री 10+2+3 के फॉर्मेट में इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, और आपको मिनिमम 50% लेके आने हैं ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आप ओपन या फिर जनरल कैटेगरी से हो. अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी से हो सो यू नीड टू हैव ओनली 45% मार्क्स. तो ये काफ़ी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर कॉलेज की सेम होती है. कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन
वो भी एलिजिबल है। आपको एनमैट का एंट्रेंस एग्जाम लिखना होगा टू गेट इन टू दी NMIMS। फिर आप कोई भी कैंपस टारगेट कर लो, बीट मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, शीरपुर या फिर कोई और कैंपस, आपको एनमैट लिखना है। ओनली थ्रू एनमैट यू कैन गेट इन टू एनी ऑफ द कैंपसेस। और आपको सेपरेट NMIMS का फॉर्म भरना होगा अक्रॉस कैंपस। मूविंग अहेड, एक नज़र सिलेक्शन प्रोसेस पर देख लेते हैं। आपको यहाँ पर तीन स्टेप्स या फिर तीन लेवल होंगे। फर्स्ट लेवल जो कि होगा आपका बेसिक NMAT का, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। इसमें आपको एक सूटेबल स्कोर लेके आना है जो उनका कट ऑफ है, ठीक है, आपको ये कट ऑफ क्लियर करना है। फिर जो सेकंड स्टेज होगा आपका, या फिर लेवल टू आप बोल सकते हो, वो आपका कैंडिडेट डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। अब ये जो स्टेज होगा आपका सेकंड स्टेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसके बेसिस पर आपका थर्ड स्टेज डिपेंड करता है, विच इज़ फाइनल सिलेक्शन। और ये सिर्फ अभी काम नहीं आएगा, ये बाद में आपके प्लेसमेंट्स यानी कि आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी बहुत काम आने वाला है। बिकॉज अगर आपने ये स्टेज नहीं क्लियर किया तो आप NMIMS में नई एंट्री ले सकते, राइट। एक नज़र पेपर पैटर्न पर डाल देते हैं। यू हैव थ्री सेक्शंस ओवर हियर, लैंग्वेज स्किल्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। 36 क्वेश्चंस फॉर ईच सेक्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। टाइम अलॉटमेंट अगर लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो 28 मिनट्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स के लिए आपको 52 मिनट्स, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज योर मैथ्स सेक्शन। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। तो ओवरऑल आपके 108 क्वेश्चंस हो गए जो आपको 120 मिनट्स में कवर करने हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप 108 क्वेश्चंस जो है वो 120 मिनट्स में इजीली सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का ये फ़ायदा है कि आप सारे क्वेश्चंस के लिए जा सकते हो। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो यू कैन ऑप्ट फॉर लीविंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, बट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो यू कैन गो फॉर एवरी ऑफ द क्वेश्चंस। 108 क्वेश्चंस है, 120 मिनट है, जस्ट गो फॉर इट। एक चीज़ आपको नोट करनी होगी दैट इट इज़ एन अडेप्टिव एग्जामिनेशन, तो जो स्केल स्कोर होगा फॉर ईच सेक्शन वो रेंज करेगा 12 से लेकर 120 तक, और जो टोटल स्केल स्कोर होगा तीनों सेक्शन को मिलाकर इट विल बी बिटवीन 36 एंड 360। लेट्स लुक एट द फी स्ट्रक्चर ओवर हियर। तो दो साल का आप यहाँ से MBA करने वाले हो तो योर फी स्ट्रक्चर स्टैंड्स एट अप्रॉक्सीमेट 19 लाख रुपीज़ फॉर टू ईयर्स। तो इसमें आपका जो हॉस्टल चार्जेस हैं, मेस चार्जेस हैं एंड जो अदर मिसेलिनियस चार्जेस हैं वो एक्सक्लूडेड है। सो ये जो 19 लाख है ये प्योरली आपकी एकेडमिक फीस है फॉर टू ईयर्स। एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन चेक देयर ऑफिशियल वेबसाइट, यू कैन टॉक टू दी एलुमनाइज, यू कैन टॉक टू दी करंट स्टूडेंट स्टार्टिंग ओवर देयर, या फिर पॉसिबल आप कॉलेज विजिट कर सकते हो फॉर मोर इनसाइट्स। और अगर सीट मैट्रिक्स की बात की तो MBA प्रोग्राम के लिए आपको 240 सीट्स मिलती है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन एक तरीके से आपको काफ़ी डिसेंट लेवल का देखने को मिलता है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो हैदराबाद के आपको टारगेट करते हैं। एंड भले आपकी फ़ीस 19 लाख की है, बट व्हेन यू लुक एट द प्लेसमेंट स्टैट्स तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। एवरेज CTC की बात की जाए तो 13.1 लाख पर एनम का यहाँ पर एवरेज CTC रहा है, मीडियन 12.5 एंड हाईएस्ट CTC पैकेज जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 28.5 लाख पर एनम। तो जब आप इंटरव्यू देने बैठोगे नेक्स्ट ईयर तो हो सकता है ये 30 लाख प्लस चले जाए, या आपको 32 लाख प्लस का ये यहाँ पर से पैकेज देखने को मिले। ऑल डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू राउंड्स, कैसे कंपनी में आपको जॉब मिलती है और कौन सी और कैसी पोजीशन पर आप काम करते हो। सो ये सारे फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू योर प्लेसमेंट्स, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। टॉप 40 स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो उनको प्लेसमेंट्स मिले हैं 17.86 लाख पर एनम के, एंड टॉप 100 स्टूडेंट्स को 15.63। तो फिर भी काफ़ी डिसेंट लेवल का आपको जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। सो यू शुड डेफिनेटली टारगेट दी हैदराबाद कैंपस। फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मिल रही है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर A1 मिल रहा है, फैकल्टीज़ अच्छी मिल रही है आपको, एलुमनाई कॉन्टैक्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, और आपको सबसे अच्छी बात है कि NMIMS का ब्रांड नेम मिल रहा है। सो यू शुड डेफिनेटली टारगेट दिस कैंपस। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइज फॉर द NMIMS हैदराबाद कैंपस। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अदर कैंपसेज, वी हैव ऑलरेडी मेड वीडियोज अबाउट NMIMS मुंबई एंड बैंगलुरु कैंपस, यू कैन चेक दैट आउट। इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद ऑल योर क्वेरीज सॉल्व।
और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि MBA परस्यू करना चाहते हैं फ्रॉम NMIMS. एंड वंस अगेन, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मैन्युअर MBA एंट्रेंस, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मैन्युअर एजुकेशन, तो लिंक फॉर मैन्युअर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रिपेरेशन, यू कैन सिंपली कॉल अ नंबर 8828581455 फॉर लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन. फॉर द क्लासरूम कोचिंग यू कैन विजिट आर सेंटर्स दादर, बोरिवली, वसई एंड थाने. सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस. अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन.